वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूँ राशि शेख। तो यार ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा कि यार इन द टॉल ग्रास के बारे में काफी लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है, कमेंट करके बोला है कि भाई उसका एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो डालो। तो मैं उन लोगों से इतना ही बोलूंगा कि मैं यार ये वेब सीरीज राइजिंग ड्यून को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था और प्लस मैं दूसरा काम भी करता हूँ तो उस वजह से मैं वो वीडियो डाल नहीं पाया, लेकिन आज शाम को 5 बजे तक के मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज से जिसका नाम है राइजिंग ड्यून। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन ये हिंदी में नहीं हुई है, इंग्लिश में हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इस वेब सीरीज को बनाया गया। इस सीरीज में हमें मेन लीड में नजर आती है अलीशा वैनराइट, जो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है निकोल रीस का, और उनके बेटे का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे जेसा यंग, जिसका इस वेब सीरीज में नाम है डियन, और उनके हस्बैंड यानी निकोल के हस्बैंड का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे माइकल बी जॉर्डन। सर चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज की। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं आप लोगों को सीधे शब्दों में इतना ही बोलूंगा, अगर आप किसी सुपर हीरो की फिल्म देखना पसंद करते हो, सीरीज देखना पसंद करते हो, तो आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगेगी। हालांकि इसमें कुछ खास VFX या कुछ ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्टोरी लाइनअप है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वो आपको कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में जो आपका इंटरेस्ट है वो बिल्ड रखेगा, कहीं पे भी आपको बोर नहीं करेगा। ये एक फैमिली एंटरटेनिंग शो है, इसमें एक बच्चे का काम है, जो बच्चे के अंदर जो सुपर पावर थे उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई। फिर भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी है कि कहानी शुरू होती है निकोल से, जो अपने बेटे डियन को पाल रही है क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो गई, यानी माइकल बी जॉर्डन की मौत हो गई। तो स्टार्ट में ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन वेब सीरीज के स्टार्ट लेकिन 5 से 6 मिनट के बाद आपको पता चलता है कि जो डियन है उसमें कुछ ऐसे सुपर पावर थे जिससे वो माइंड से कुछ भी चीजों को उठा सकता है, यानी हवा में उड़ा सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। यही बात का पता निकोल को यानी कि उसकी मॉम को पड़ जाता है, तो वो बहुत परेशान होती है, सोचती है कि उसके बेटे के साथ ये सब क्या हो रहा है, मतलब उसका बेटा कहीं बीमार तो नहीं, कहीं कुछ चीज तो नहीं हो उसको। फिर लेकिन उसको धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ वो माइंड से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इसके अलावा वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि वो एक से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसी चुटकी बजा के वो गायब हो सकता है। तो ये जितनी सारी इसमें सुपर पावर्स होती है तो वो सोचती है किसी भी तरीके से इस पावर्स को मैं लोगों से बचा के रखूं, और उसके अलावा ये सोचती कि डियन में ये सब पावर आई कहां से, क्या इसके जो हस्बैंड है माइकल बी जॉर्डन शायद उसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं जिस वजह से डियन में ये सब चीजें आई। तो ये सब चीजें वैसे हमें बताया कि आगे चल के क्या डियन में सब चीजें पावर आई कहां से, और क्या उसकी माँ डियन को लोगों की नजरों से बचा पाई क्योंकि इतने सुपर पावर है उसमें, और उसको पता नहीं कि इस पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्या वो अपने बेटे को लोगों से बचा पाएगी और अपने हस्बैंड की मौत का सच जान पाएगी, और उसके अलावा इसमें क्या कुछ हलक हटके आपको देखने को मिला, ये सब कुछ आपको जानना है तो यार ये इस वेब सीरीज को देखो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये वेब सीरीज एक फैमिली एंटरटेनिंग शो है, तो कहीं पर आप बोर तो नहीं हो गए। यार परफॉर्मेंस की बात हो तो परफॉर्मेंस मुझे 3 लोग बहुत अच्छे लगे, तो डियन की माँ जो इसका रोल प्ले करी अलीशा वैनराइट, मुझे पर्सनली उनका रोल बहुत अच्छा लगा। उसके बाद डियन का रोल, जो डियन का परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा काबिल-ए-तारीफ। तीसरा डियन की फ्रेंड एस्पेरेंजा, उस लड़की का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों बच्चे की जो सीन्स होते हैं वो सीन्स आपको अच्छे लगेंगे, और कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज से आप इमोशनली अटैच कर पाओगे। स्पेशली आप इमोशनल सीन्स अगर आप देखोगे तो एक माँ और अपने बेटे का इमोशनल सीन्स के आप कनेक्ट कर पाओगे, प्लस भी इंटरेस्टिंग है, और मुझे पर्सनली वेब सीरीज अच्छी लगी। इसमें सुपर हीरो एवेंजर्स या MCU की तरह ज्यादा सारा VFX तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जो स्टोरी है जिस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया बहुत अच्छी है, और ब्लैक लोगों पे बनी हुई ये दूसरी मुझे सीरीज अच्छी लगी। इससे पहले मुझे ब्लैक पैंथर अच्छी लगी थी, उसके अलावा जो भी ये लोग ब्लैक के लेकर जो फिल्में, जो काले लोग को लेकर जो भी लोग फिल्में बनाते मोस्टली गैंगस्टर और माफिया टाइप ही बनाते, लेकिन जो ब्लैक पैंथर बनाया था तो पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद अब रेजिंग डियन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और बच्चे लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बड़े लोगों को भी अच्छी लगेगी, लेकिन जो भी MCU की मूवीज देखते तो वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे VFX को हाई लेवल का, तो उस लेवल का VFX नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत ही सफाई से किया गया, और मुझे पर्सनली वेब सीरीज अच्छी लगी। मुझे सिर्फ एक लेंथ की प्रॉब्लम थी, वो भी अगर वेब सीरीज है तो इतनी लिबर्टी तो उन लोगों को देना ही पड़ेगा। तो ये वेब सीरीज में तकरीबन 9 एपिसोड है 38 से 50 मिनट्स के बीच में, और ये हिंदी में नहीं है। अगर आप लोग को ये वेब सीरीज देखना तो आप लोग देख सकते हो, ये इज अ टाइम पास, अच्छी वेब सीरीज है और बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी। चलते हैं।